हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर वी कुमार, MMSA सेंटर से, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक, पहले तो मैं एक चीज़ को सॉरी कहना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मैं क्लिनिक से आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था और क्लिनिक में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है वीडियो आ नहीं रहा था। और आज मुझे फाइनली जो है और काफ़ी टाइम निकाल के मैं वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो एसनोफिलिया है। देखिए, एसनोफिलिया आज के समय में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, और मतलब कि इसका एसनोफिलिया एक ब्लड में मतलब कि एक एलिमेंट होते हैं जो बढ़ जाता है, उसका बढ़ने का एक कारण भी है, बहुत कॉमन से कारण है। देखिए, आज का एनवायरनमेंट इतना चेंज हो रहा है, एक तरह से एसनोफिलिया होता क्या है दोस्तों, कि ये एक शरीर का पीएच मान होता है, मतलब ये बैलेंस होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है आपका सर, तो ये हार्डवेयर की खराबी नहीं है, ये शरीर की सॉफ्टवेयर, एक तरह से मान लो कि एक सॉफ्टवेयर की खराबी है। जैसे मतलब कि एक बहुत ज़्यादा फिजिकल डैमेज नहीं होता है, लेकिन ये आपके शरीर का जो है जो फंक्शन है उसको ख़राब कर सकता है। तो एसनोफिलिया जब बढ़ जाता है तो दोस्तों होता क्या है, जब आपका इसको देखिए दोस्तों, 2 से 5 के बीच में होना चाहिए, अगर इससे अगर ऊपर आ गई ये ब्लड चेक में आ जाता है, इसका सिंपल जाँच 50 रुपये का जाँच होता है, इसको आप जाँच कराएंगे तो बिडाल डीएलसी में आपको निकल जाएगा, और डिफरेंट ल्यूकोसाइट में उसमें ये प्लेटलेट बहुत अच्छी निकल जाती, तो उसमें सॉरी एसनोफिलिया निकल जाती है। जब आप एसनोफिलिया की जाँच कराओगे, अगर ये 2 से 5 के बीच में है तो ठीक है, अगर उससे अगर ज़्यादा है तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपको नाक छींके आएगी, और जो है सिम्टम इसका ये है, छींके आती है, किसी एसिफिक चीज़ से एलर्जी हो जाता है, जैसे खाने की गंध से, तेल के गंध से, मौसम चेंज होता है, जैसे अगर मान ली बारिश हुई, धूप हुई, और गर्म ठंडा मौसम हो गया, तो इससे अगर इस तरह की जब समस्या होती है तो भी आपको जो है नाक बहना, छींके आना, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आना, सर पकड़ लेना, पीछे की ओर दर्द होना, ऊपर से भी दर्द हो सकता है, ये सूज जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, इस तरह का सिम्टम बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों, कि होता है क्या है ना, कि आज के समय में किसी को ज़रा से भी सर्दी हो जाती है तो पहले जाकर पारासीटामोल या किसी भी एंटीबायोटिक या दर्द की दवा खा लेते हैं। ये गलती कभी ना करें, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, सर्दी 1 से 2 दिन होता है, इसको घरेलू उपचार कर लें आप। घरेलू उपचार जैसे आप जो है दूध के साथ जो है हल्दी ले लें, और कोई भी होम्योपैथिक दवा आप ले लें, तो इस तरह से आप ले लेंगे, या कोई भी घरेलू आयुर्वेदिक टैबलेट ले लेंगे, थोड़ा सा सेक ले लेंगे, भाप ले लेंगे, स्टीम ले लेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो देखिए, सर्दी जुकाम होता क्या है कि वो गंदगी होती है, जब आप इतने सारे एनवायरमेंट धूल कण आप लेते हो तो उसको निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर वो निकलेगा नहीं तो फिर आप गंदगी अंदर बैठे रह जाएगी। देखिए, एक वेस्टेज होता है, बॉडी वेस्टेज होता है, अब उसको आप पिल्स लेकर के दबा देते हैं तो वही जो है हर बार उससे ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है, अब उसको दबाते चले जाओगे तो होगा क्या कि वो एसनोफिलिया पॉजिटिव हो जाएगा और शरीर का बैलेंस आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखें, इन्हीं कारणों से होता है। साइन एंड सिम्टम मैंने कारण आपको बता दिया। अच्छा हाँ, बहुत से लोग क्या है, एकदम गर्मी में आते हैं, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, और बाहर गए तो एकदम चिल्ड वाटर या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है एसनोफिलिया बढ़ने का। तो इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करें, जिसको है वो भी अवॉइड करें, नहीं है तो भी अवॉइड करें, क्योंकि ये शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ही वीक कर देता है एसनोफिलिया इसके कारण से। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें सबसे अच्छा इसका उपाय और इलाज क्या है। देखिए, होम्योपैथ में बिल्कुल 100% क्योर इलाज है, हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, ये जान लेने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी जब बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, और बहुत ज़्यादा अगर आपने मेडिसिन यूज कर लिया है तो मे भी हो सकता है कि आपको कफ जमा हो जाए सीने में, और उसके कारण आपको दमा का शिकायत हो सकता है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है, तो ये सब चीज़ें एसनोफिलिया में काफ़ी कॉमन हो जाता है। चलिए जल्दी से हम बात कर लेंगे आखिर के मेडिसिन क्या है। पहला है जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, पहली मेडिसिन है ओसिमम सेंट मदर टिंचर और इक्लिप्टस मदर टिंचर, ये दोनों होम्योपैथ के दोनों को एक में मिला लें, ओसिमम सेंट मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगा, ओसिमम सेंट मदर टिंचर और इक्लिप्टस मदर टिंचर दोनों को मिला दें, और 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम हल्के से गुनगुने पानी में 3 बार लें। ये दवा कम से कम 1 महीना, अगर आपको हाल ही में सुनने को लिया तो 1 महीने तक ये ले सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर पुरानी हो गई तो आप 90 दिन, 6 महीने तक भी चल सकता है। दूसरी जो मैं मेडिसिन जो बनाने वाला हूँ वो दोस्तों है नेट्रम सल्फ
एक्सपोनेंशियल में इसको क्या होता है कि जब आपका मौसम बदलता है और जैसे मान लें बारिश हो रहा है या बारिश में भीगते हैं तो इसमें फ्लो ओवर बढ़ गया, और मौसम जैसे भी गर्मी है बारिश हो गई तो आपका अगर ये समस्या पड़ गई तो इस तरह का सिम्टम में है तो नेट्रम सल्फ मेडिसिन 12 एक्सपोनेंशियल लीजिए, बहुत ही अच्छा असर करती है। और तीसरी जो मेडिसिन है वो एक छोटा सा डाइल्यूशन मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करता है, आर्सेनिक आयोड 30 पोटेंसी में। इसको करना क्या है दोस्तों, आर्सेनिक आयोड 30 पोटेंसी को दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम टंग पे इसको लेना, यही जो मैंने बायोकेमिकल मेडिसिन बनाया उसी के साथ, मदर टिंचर से आधा घंटे का डिफरेंस रखिएगा ये दोनों दवाओं का। तो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया आशा करता हूँ कि अच्छे से कि मैंने क्या कहा था, चाहे कौन सी मेडिसिन का नाम बताई और क्या है साइन एंड सिम्टम है, क्वेश्चन मिले कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, दवा आप देख लीजिए इसको बस खाना है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। और हाँ, किसी तरह का अगर दवा आपको मंगवानी है क्रॉनिक डिजीज़ के, एक्यूट डिजीज़ के लिए, एक्यूट डिजीज़ के लिए आप दवा वहीं ले लो, अगर कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है आपको, किसी बहुत लंबे समय से आप बीमार हो, इलाज करा कर थक चुके हो और नहीं ठीक हो रहे, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करके आप दवा ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग एक महीने की दवा जो है वो 800 रुपये का भेजते हैं, इसमें भेजने का चार्ज इंक्लूड नहीं है, भेजने का चार्ज जो है 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक के बीच में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर दवा मंगवाना चाहते हैं। ऐसे 800 रुपये में एक महीने की दवा हम लोग भेजते हैं, कम की भी दवा भेजते हैं, 500 रुपये में भी दवा भेजते हैं हम लोग, 15 दिन की दवा भेजते हैं, आप 15 या एक महीने की दवा मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऐसा करता हूँ वीडियो क्वेश्चन में, बी हेल्दी कीप हेल्दी, और लास्ट में ये जरूर कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी उसको कर दें, इसमें तो मैं गारंटी इलाज करता हूँ एकदम, मैं 100% बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।